हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल के सोनारपुर में पीएम का हल्ला बोल, कहा टीएमसी का मतलब है टकामार कंपनी। पीएम बोले टीएमसी कर रही है दीदी, अब वाराणसी से लड़ेंगी, यानी बंगाल में पराजय स्वीकार कर लिया। पीएम ने कहा कि काशी वाली दीदी को टूरिस्ट नहीं कहेंगे, बड़े दिल वाले हैं, बाहरी नहीं कहेंगे। पीएम ने कसा तंज, बोले वाराणसी में आपको तिलक चोटी हर हर महादेव वाले लोग बहुत मिलेंगे और वो इतना प्यार करेंगे कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। बंगाल के तारकेश्वर में पीएम मोदी की रैली, सिंगूर के मुद्दे पर की अटैक, कहा राजनीतिक उपयोग के बाद सिंगूर को छोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में जरूर आऊंगा, कैबिनेट की पहली बैठक में बकाए के साथ किसान सम्मान निधि के फंड मिलेंगे। बंगाल से पहले असम के तामुलपुर में पीएम मोदी की रैली, कहा असम की पहचान को बर्बाद करने वाले लोग राज्य को मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने कहा देश में कुछ बातें गलत चल रही हैं, समाज में भेदभाव करने वालों को कहा जाता है सेक्युलर। पीएम मोदी ने कहा सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के खेल ने देश को बड़ा नुकसान किया। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने असम में हिंसा, बम और बंदूक का दौर दिया। तामुलपुर में रैली के दौरान एक शख्स को आई डिहाइड्रेशन की समस्या, पीएम ने अपनी मेडिकल टीम से तुरंत मदद करने को कहा। असम में बद्रुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने खेला कम्युनल कार्ड का, असम में दाढ़ी टोपी और लुंगी की बनेगी सरकार। अब्दुल रहीम अजमल ने बभनीपुर में दिया बयान, कहा गरीबों और काम करने वाले लोगों की बनेगी सरकार। जूनियर अजमल पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा धर्म की आड़ में कोई अशांति नहीं फैला सकता। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा को राहत, चुनाव प्रचार पर लगातार 48 घंटे का बैन घटाकर 24 घंटे किया गया। दक्षिण 24 परगना की रैली में योगी ने खेला 370 का कार्ड, कहा पीएम और गृह मंत्री ने कश्मीर से 370 खत्म किया। योगी ने ममता पर जमकर बोला हमला, कहा 10 साल के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार की प्रतीक बनी। हावड़ा के अलुबेरिया में यूपी के सीएम योगी का रोड शो, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। टीएमसी का गढ़ रहा है अलुबेरिया सीट, 2009 से सीट पर टीएमसी का कब्जा, 7 में से 6 सीट पर पार्टी का कब्जा। योगी के रोड शो के दौरान हुई फूलों की बारिश, रोड के दोनों तरफ जमा लोगों ने बरसाए फूल। रोड शो के बाद योगी ने ममता पर किया अटैक, कहा जो राम के विरोधी हैं उनका त्याग करना जरूरी। योगी ने कहा टीएमसी के गुंडों ने बंगाल को बर्बाद किया, ममता भगवान राम का भी कर रही है विरोध। उलुबेरिया के बाद योगी ने हावड़ा उत्तर में किया रोड शो, रोड में लगे जय श्री राम के नारे। दक्षिण 24 परगना के रायगढ़ी की रैली में ममता का बीजेपी पर नया आरोप, कहा सांप्रदायिक तनाव फैला रही बीजेपी। ममता ने फिर दिखाई अपनी हिंदू पहचान, कहा मैं ब्राह्मण, रोज चंडी पाठ करती हूँ, लेकिन मेरी रसोई अनुसूचित जाति की। ममता ने फिर ओवैसी और पीरजादा पर बोला अटैक, बीजेपी की सहयोगी पार्टी बताया, मुसलमानों को झांसे में न आने की बात कही। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बड़ा दावा, कहा कल रात बंगाल में पीएम मोदी, शाह और नड्डा की हुई मीटिंग। डेरेक ओब्रायन ने कहा नंदीग्राम में जीत रही है ममता, माइंड गेम खेल रही है बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा चौंकाने वाले आएंगे बंगाल के नतीजे, बंगाल की जनता ममता की छुट्टी के लिए है आतुर। एएनआई के साथ इंटरव्यू में बोले नड्डा, असम की जनता ने फिर एनडीए को समर्थन देने से मना किया, कांग्रेस जहां जाएगी घोटाला करेगी। नड्डा ने कहा असम में दोनों चरण में बीजेपी को एकतरफा वोट किया, तीसरे चरण में बीजेपी का बहुमत मिलेगा। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा का बयान, कहा दो चरणों में संयुक्त मोर्चा का अच्छा प्रदर्शन। कांग्रेस पर बरसे पीरजादा, कहा कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, क्या राज है कांग्रेस ही जानती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अमित शाह की रैली, परिवारवाद पर स्टालिन को घेरा। अमित शाह ने 2G, 3G और 4G के बहाने कांग्रेस और डीएमके पर किया अटैक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तमिलनाडु के इरोड में रैली, कहा डीएमके और कांग्रेस 2G, 3G, 4G और जीजाजी के लिए मशहूर। नड्डा ने बताया 2G का मतलब मारन परिवार, 3G मतलब स्टालिन परिवार और तीन पीढ़ी, 4G मतलब गांधी परिवार की चार पीढ़ी का भ्रष्टाचार। चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, पार्टी उम्मीदवार खुशबू सुंदर के लिए मांगा वोट। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, बीजेपी के झंडों से पटा पूरा इलाका। गुवाहाटी में कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप। इलेक्शन कमीशन से मिलकर कांग्रेस ने तीन बड़े मुद्दे उठाए, असम में खरीद फरोख का आरोप लगाया। बीजेपी लीडर की गाड़ी में ईवीएम पर भी उठाया सवाल। कोरोना केस बढ़ने के बाद बांग्लादेश में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, दिन में रिकॉर्ड 6,830 नए मामले। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को हुआ कोरोना, 3 महीने पहले ली थी स्पुतनिक वैक्सीन। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, एक दिन में 89,000 से ज्यादा मामले, 714 लोगों की मौत। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ बैठक की, कोरोना के हालात को चिंता का विषय बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देश के कुल कोरोना के 90% मामले। मुंबई में बिन मंजूरी मई डे नाम की फिल्म की शूटिंग का सेटअप लगवाने पर कार्रवाई, 15 लोगों पर FIR दर्ज।
दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार, 24 घंटे में 3,567 नए मामले, 10 लोगों की मौत। दिल्ली एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट का बयान, दिल्ली महाराष्ट्र के लोगों को कोरोना को लेकर गंभीर होना होगा, नहीं तो और बढ़ेंगे मामले। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में 17 स्टूडेंट्स और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया और उनकी पत्नी का मौलाना आजाद कॉलेज में लगा कोरोना का वैक्सीन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली के निजी अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई गई। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा आया, 24 घंटे में 481 लोगों की मौत, 47,913 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र के सातारा में धार्मिक यात्रा के नाम पर जुटी भारी भीड़, 50 लोगों पर एक्शन। मुंबई में 8,832 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। पुणे में सरकार के आदेश के बाद सभी मंदिर और धार्मिक स्थल बंद। महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के क्लासेस 1 से 8 तक के सभी बच्चों को किया जाएगा प्रमोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, कुछ दिन पहले हुआ था कोविड। केंद्रीय मंत्री नकवी को संसद भवन एनएक्सी में लगी कोरोना की दूसरी वैक्सीन। कानपुर देहात में मोबाइल में बिजी नर्स की बड़ी लापरवाही, महिला को लगा दी कोविड वैक्सीन की डबल डोज। वाराणसी में धारा 144 लगने के बावजूद गंगा घाट पर दिखी लोगों की भारी भीड़। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी जुटी भारी भीड़, संत शरण बसवेश्वर मंदिर में हजारों की भीड़ हुई शामिल। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में कोरोना का कोई खौफ नहीं, भारी भीड़ सब्जी खरीदने पहुंची। मुरादाबाद में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सब्जी मंडी में नजर आई भीड़। एमपी के भोपाल में कोरोना का कहर जारी, कंटेनमेंट जोन 20 से बढ़ाकर 51 किए गए। तमाम दलीलों के बावजूद बढ़ाई गई सचिन वाजे की कस्टडी, 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। कोर्ट ने सचिन वाजे के वकील की दलील सुनी, वाजे पर लगाए गए आरोप अब तक नहीं हुए साबित, आगे भी एनआईए को कस्टडी देना अन्याय। कोर्ट ने एनआईए से कहा, वाजे को दिया जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट, अगली सुनवाई में जानकारी मांगी। कोर्ट में वाजे ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोप खारिज किए, कहा मेरे खिलाफ प्लांट किया गया जिलेटिन। एंटीलिया मामले में एक और मर्सिडीज बरामद, अब तक 8 गाड़ी कब्जे में ली चुकी है एनआईए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस नेता, कांग्रेस कोटे को पर्याप्त फंड नहीं दिए जाने की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं ने उद्धव ठाकरे के सामने संजय राउत के बयान का मुद्दा भी उठाया, राउत ने शरद पवार को यूपीए चेयरमैन बनाने की वकालत की थी। आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे एनसीपी चीफ शरद पवार, डॉक्टरों ने 7 दिन के रेस्ट की सलाह दी। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के ऑनलाइन कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा किया। राहुल ने कहा बीजेपी के पास वित्तीय और मीडिया प्रभुत्व, बाकी दलों के लिए चुनाव जीतने में मुश्किल। शारदा घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी नेता कुणाल घोष, शताब्दी रॉय और देवजानी मुखर्जी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह, यूपी के जौनपुर में पंचायत चुनाव लड़ेंगी। गोरखपुर में पंचायत चुनाव में प्रधान पद के दावेदार बीजेपी नेता का मर्डर, ऑफिस में घुसकर मारी गई गोली। बिहार के मधुबनी में 2 समुदाय के बीच झड़प, 5 लोगों की मौत, बीएसएफ का एक जवान भी शामिल। मुंबई में मॉब लिंचिंग की वारदात, 17 साल के एक लड़के की पीट पीट कर हत्या की गई। बिजनौर में महिला ने बीएसपी नेता के सिर से उतारा आशिकी का भूत, आरोपी की सरेआम की पिटाई। उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में फैली आग, बड़ी आबादी पर आग की चपेट में आने का खतरा। गर्मियों से पहले पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में भड़की आग, श्रीनगर और कीर्तिनगर के जंगलों तक पहुंचने से बढ़ा खतरा। असम के जोरहाट में 12 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां के हरपोरा में एनकाउंटर, कल पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी, 8 किलो वजन के आईईडी को डिफ्यूज किया। बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, लगभग 10 अन्य जवान घायल भी। यूपी के हापुड़ में नकली नोट बनाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया, करीब 8 लाख नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, स्नो कटर मशीन की मदद से हटाई जा रही बर्फ। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बीच आसमान से बरसे ओलों ने मचाया कहर, कई घर तहस नहस। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटॉल हिल के बाहर एक शख्स ने 2 ऑफिसर्स की कार को टक्कर मारी, 1 अधिकारी की मौत। कार से टक्कर मारने के बाद अपने हाथ में चाकू लेकर निकला शख्स, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। म्यांमार के मोनवाया में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, तस्वीरों में एक घायल युवक को ले जाते दिखे लोग। रूस में एक यात्री विमान दूसरे प्लेन से टकराया, किसी भी विमान में यात्री या कोई क्रू मेंबर सवार नहीं था। रूस में एक अस्पताल में लगी भीषण आग, आग के बावजूद डॉक्टर्स ने हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन किया पूरा। रूस में बर्फ पिघलने से साइबेरिया में बाढ़ आई, अब तक बढ़ते जलस्तर से 204 घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान। आइसलैंड में ज्वालामुखी से बहते लावे के करीब वॉलीबॉल खेलने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने स्टंट को खतरनाक बताया। आईपीएल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के को झटका, स्पिनर अक्षर पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव। आईपीएल से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टूटा कोरोना का कहर, स्टेडियम के 10 स्टाफ को हुआ कोरोना। बीसीसीआई द्वारा नियुक्त मुंबई में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 7 में से 6 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, हैदराबाद को स्टैंड बाय के रूप में रखा गया।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।